अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान सबा खान आप सभी का खैर मकदम करती हूँ आपके अपने न्यूज़ चैनल SBR न्यूज़ 24 में। पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी पर मुस्लिम समाज ने जताया विरोध, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। मुर्शिद बाबा मैदान में जमा हजारों लोगों ने गम और गुस्से का किया इजहार। देश और दुनिया भर में पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी का विरोध जताया गया। दमोह में मुस्लिम समाजों ने जुमे की नमाज के बाद स्थानीय मुर्शिद बाबा में हजारों मुस्लिम भाइयों ने एक साथ जमा होकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अपने गम और गुस्से का इजहार किया। मुस्लिम समाज के अध्यक्ष आजम खान सहित समस्त मस्जिदों के इमाम और हजारों लोग एक साथ हस्ताक्षर करते हुए सामूहिक ज्ञापन शहर दमोह मुस्लिम समाज के द्वारा सौंपा गया और मांग की गई कि अभद्र टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। टीवी डिबेट में जाने वाले मुस्लिम समाज का जो नेतृत्व करते हैं उनका समाज ने खुलकर बायकॉट कर दिया है। ऐसे डिबेट वालों को ना जाने की नसीहत भी दी है। ज्ञापन लेने पहुंचे SDM गगन बिसेन, पुलिस प्रशासन से CSP अभिषेक तिवारी, सिटी कोतवाल सत्येंद्र सिंह मौजूद रहे और ज्ञापन लिया SDM गगन बिसेन ने। ज्ञापन लेते हुए कहा कि ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। बेशक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है, लेकिन ये कार्रवाई हमारे लिए नाकाफी है। ये सिर्फ औपचारिकताएं हैं। क्या हम औपचारिकताएं नहीं समझते? किस दबाव में आकर आपने किस तरह की कार्रवाई की है ये हम बखूबी जानते हैं। महामहिम जी नुपुर शर्मा के द्वारा की गई विवादित टिप्पणी से न सिर्फ मुस्लिमों के सम्मान को आघात पहुंचा है बल्कि भारत देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को भी धूमिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की जा रही है और उसे तत्काल गिरफ्तार कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।